हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सीए शमतिल आरफीन आप सबका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन जीएसटी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लेक्चर नंबर 2 में। और इस लेक्चर की शुरुआत हम करने जा रहे हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो लोग एवरेज होते हैं, जो फेलियर होते हैं, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? वो रोज एक ही तरह का काम करते हैं और सोचते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ नया हो जाएगा। जहां पर उन्हें क्वेश्चन करना होता है, वहां पर वो अपने आप को बंद कर लेते हैं, मान जाते हैं चीजों को। तो हमें अपना थॉट प्रोसेस ओपन रखना है, हर दिन कुछ नया करना है, कुछ नया सीखना है, ताकि एक दिन हम भी वो सब कुछ अचीव कर सकें जिसके लिए हम, जिसका सपना हम देखते हैं। तो इसी एक प्यारे से थॉट के साथ आगे चलते हैं अपनी क्लास, अपने लेक्चर की तरफ। तो दोस्तों, चलते हैं आज अपने लेक्चर की तरफ, लेक्चर नंबर 2। और आज ये जो हमारी जीएसटी एक्सप्रेस है, ये आज अपने अगले स्टेशन पे पहुंच चुकी है, जिस स्टेशन का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। अगर याद हो तो पहले लेक्चर में हमने एक डेफिनेशन देखी थी, जो जीएसटी के बेसिक डेफिनेशन थी, उसका वो डेफिनेशन ये थी कि जीएसटी इज अ टैक्स लेवीड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी एक टैक्स है जो लेवी होता है गुड्स और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर। तो आज हम देखेंगे कि ये सप्लाई होता क्या है। आम वर्ड में तो हमें पता है कि किसी को गुड्स कहीं से कहीं पहुंचाना, कहीं से गुड्स कहीं पहुंचा देना, तो उसको हम क्या बोलते हैं आम वर्ड, आम भाषा में, कि वो सप्लाई करवा दिया। जीएसटी में इसका क्या मतलब है वो देखते हैं। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जो जीएसटी से पहले जो लॉस थे, जैसे एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैट, सेल टैक्स, इसमें ऐसी कौन सी कमियां थी कि जिसकी वजह से जीएसटी को इंडिया में इंट्रोड्यूस करना पड़ गया। देखिए, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, हर जगह डायमेंशन डिफरेंस है, कल्चरल डिफरेंसेस हैं, पॉपुलेशन अलग 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 है, तो ऐसी क्या नीड आ गई कि एक इतना बड़ा सिस्टम जो जो चला आ रहा था उसको हटा के एक बिल्कुल ही नया सिस्टम जीएसटी उसको इम्प्लीमेंट करा, एक नई साइट डेवलप हुई, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने पड़ गए। तो ये ऐसा नहीं, इसमें कई हजारों करोड़ों का खर्चा आया है, ऐसा नहीं कि रातों रात हो गया। तो इतना ज्यादा बर्डन, ये सारी प्रोसेस गवर्नमेंट ने, सरकार ने क्यों करी, कोई तो रीजन होगा। तो जो प्रीवियस लॉस थे, जो पहले के जो कानून थे, जो पहले जो हमारे टैक्स थे, उसमें बहुत सी कमियां थी। उनमें से जो पहली डेफिशिएंसी थी वो ये थी कि कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा था टैक्स का, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था। अब अलग अलग टैक्स थे, मैंने एक्साइज अलग था, वैट अलग था, दोनों एक दूसरे को पहचानते नहीं थे, इनका आईटीसी दूसरे का आईटीसी के साथ सेट ऑफ नहीं हो पा रहा था। जब सेट ऑफ नहीं हो पा रहा था तो टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था, एक्साइज के ऊपर पता चल रहा है कि वैट भी लग जा रहा है, सेल टैक्स भी लग जा रहा है। तो एक तो कैस्केडिंग इफेक्ट था। जब कोई मैन्युफैक्चरर किसी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है तो वहां पर लगता है एक्साइज, ठीक है, उसको बोलते हैं सेनवेट क्रेडिट। उसका क्रेडिट मैन्युफैक्चरर, अब जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चरर कोई भी गुड्स बनाएगा तो खुद तो रखेगा नहीं, आगे सेल करेगा, आगे उसकी सप्लाई करेगा। तो जब वो आगे उसको सप्लाई करवाता था, मूव करता था, तो वहां पर क्या लग जा रहा था, वैट या सेल टैक्स। मैन्युफैक्चरिंग में लगा एक्साइज, आगे लगा वैट, उसके बाद गुड्स कहां पहुंचा, होलसेलर के पास, होलसेलर से माल चला और कहां पहुंचा, रिटेलर के पास, रिटेलर से फिर छोटे छोटे शॉप वाले लेके चले गए, और वहां से फिर अल्टीमेट जो कस्टमर होता है, हम लोग क्या करते हैं, उन छोटे छोटे शॉप से माल खरीदते हैं। तो एक बार अब आप देखो, एक्साइज कहां लगा, जब गुड्स बना, उसके बाद हर स्टेज पे क्या लग रहा था, वैट 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 वैट। तो एक बार जो एक्साइज हमने पे कर दिया मैन्युफैक्चरिंग करते समय, उसका कहीं पर भी सेमर क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता था मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के बाद। दूसरा, वैट और सर्विस टैक्स के आपस में 36 का आंकड़ा रहता था, एक दूसरे में लड़ाई चलती थी। वैट कहता था कि हम तुझे नहीं जानते सर्विस टैक्स को, और सर्विस टैक्स कहता था कि हम वैट तुझे नहीं जानते। दोनों का आईटीसी आपस में एक दूसरे से सेट ऑफ नहीं हो पा रहा था, तो नॉन इंटीग्रेशन हो रहा था।
और उसके अलावा जो अदर टैक्स थे ना, वैट, सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स के अलावा जैसे लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सब टैक्स क्या हो रहे थे, बेचारे लावारिस की तरह इधर उधर टहल रहे थे। मतलब इनका तो कोई क्रेडिट वगैरह का सिस्टम था ही नहीं। तो ये वो कमियां थी प्रीवियस लॉज में, जिसको दूर करने के लिए कौन आया, अपना हीरो आ गया। हीरो कौन? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। ठीक है सर, अब आगे चलते हैं कि सप्लाई कहते किसे हैं। अब देखते हैं सप्लाई, सप्लाई का सेक्शन क्या है, 7। इसको याद रखने का तरीका क्या है कि एस से होता है 7 और एस से होता है सप्लाई, बस ऐसे याद रखना है। सेक्शन 7 सप्लाई, एस से 7, एस से सप्लाई। ठीक है सर, सप्लाई क्या होता है, जब तक आप गुड्स या सर्विस की सप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपके ऊपर जीएसटी पे करने की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सिंपल, यानी कि ये सप्लाई क्या हो गया, टैक्सेबल इवेंट हो गया। ये वो घटना है जिस घटना के घट जाने के बाद जीएसटी पेबल हो जाता है। ठीक है, तो सप्लाई क्या है आइए देखते हैं। सेल, लाइसेंस, बार्टर, एक्सचेंज, डिस्पोजल, ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ टाइटल। सर समझ में नहीं आ रहा है, तो सिंपल है बॉस। अगर कोई ये कहे कि सप्लाई किसे कहते हैं, तो आप कहोगे आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। ये क्या है सर, बी से बार्टर, ई से एक्सचेंज, एस से सेल, टी से ट्रांसफर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बी से बार्टर, ई से एक्सचेंज, एस से सेल, टी से ट्रांसफर। ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं अपनी, सप्लाई। खत्म। उसके अलावा देखिए, अगर आप किसी चीज को रेंटल पे या रेंट पे दे रहे हो तो सप्लाई, ई कॉमर्स सप्लाई, ट्रांसफर हमने ट्रांसफर देखा, ट्रांसफर ऑफ टाइटल, किसी भी तरीके का ट्रांसफर क्या हो जाता है, सप्लाई। डिस्पोजल, किसी चीज को डिस्पोज कर दिया, चीज खराब हो गई थी डिस्पोज कर दिया, क्या हो जाएगा भैया, सप्लाई। तो कोई पूछेगा कि सप्लाई क्या होता है, आई एम द बेस्ट। सेक्शन कौन सा होता है, 7। आगे चलते हैं सर, तो हम लोगों ने देख लिया है कि सप्लाई कहते किसे हैं, क्या होता है सप्लाई। ठीक है, लेकिन सप्लाई को टैक्सेबल इवेंट बनाने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला, सप्लाई इज डन फॉर अ कंसिडरेशन, मतलब जो आप सप्लाई कर रहे हैं वो फ्री और फ्री नहीं होनी चाहिए, उसके बदले में कुछ तो आपको मिलना चाहिए, चाहे वो कैश हो चाहे वो इन काइंड हो, फ्री सप्लाई नहीं मानी जाएगी। दूसरा, इज डन, सप्लाई इज डन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, आप जो सप्लाई कर रहे हैं वो आपका काम धंधा होना चाहिए, काम होना चाहिए, मतलब वो आपके बिजनेस के लिए हो रही हो। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ही उसको सप्लाई कहेंगे, और जब सप्लाई कहेंगे तो ही उसके ऊपर जीएसटी पेबल आएगा, मतलब सप्लाई नहीं तो जीएसटी नहीं। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी वहां पर जीएसटी पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अच्छा, लेकिन हर चीज का एक एक्सेप्शन होता है, तो इस चीज इन चीजों का भी एक एक्सेप्शन है। वो क्या है, ये वो लिस्ट है, इस लिस्ट में चाहे कंसिडरेशन मिले और चाहे ना मिले, इसको सप्लाई मान लिया जाएगा। ऐसा क्यों किया गया है, टैक्स की चोरी को रोकने के लिए। पहले तो ये बता दिया कि सप्लाई वही सप्लाई जिसके लिए आपको कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिल रहा है, फिर बोल दिया रुको रुको रुको, कुछ चीजें ऐसी हैं लेकिन जहां पर आपको कंसिडरेशन मिले या ना मिले, हम उसको सप्लाई मानेंगे, और सप्लाई मानेंगे तो उसके ऊपर जीएसटी भी आपको देना पड़ेगा ताकि टैक्स की चोरी रुक सके। वो क्या है, देखिए, डिस्पोजल ऑफ एसेट ऑफ बिजनेस वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। आपने कोई चीज परचेज करी, उस पे आईटीसी के मजे ले लिए, अब जब आईटीसी का मजे ले लिए तो आपने उस चीज को बेच दिया उठा के, ना बाबा ना, जिस चीज को आपने बेचा है उस चीज पर ऐसा माना जाएगा भले कंसिडरेशन मिले या ना मिले, आपको उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। दूसरा, आपने सप्लाई हो रही है रिलेटेड पार्टी, आपने किसी को बेचा वो आपका जानने वाला है, सगे वाला है, नहीं, यहाँ पर टैक्स की प्लानिंग हो सकती है। तो अगर आपने किसी रिलेटेड पर्सन को बेचा है कहाँ, बिना कंसिडरेशन के, तो माना जाएगा भैया सप्लाई है, आपको जीएसटी पे करना है। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन, रिलेटेड पर्सन से आपने किसी सर्विस को इम्पोर्ट किया है, भैया हम सप्लाई मानेंगे, जीएसटी पे करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि कंसिडरेशन नहीं मिला है। सप्लाई ऑफ गुड्स एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप, जो हमारे ब्रोकर होते हैं, एजेंट होते हैं, जिनको हम सामान देते हैं सेल करने के लिए,
कंसिडरेशन हो चाहे ना हो, इसको सप्लाई माना जाएगा और जीएसटी पे करना पड़ेगा। क्यों? ताकि ऐसे ट्रांजैक्शन का भी रिकॉर्ड रखा जा सके, उनके ऊपर कंट्रोल लगाया जा सके। और दूसरा, पहले आपने एक एसेट खरीदी जो आपने कहा था कि आप बिजनेस के लिए यूज करेंगे, बट अब आप उसको क्या कर रहे हो, घर के लिए यूज कर रहे हो। लैपटॉप लिया तो ऑफिस के लिए, लेकिन अब आपने घर में दे दिया और घर वाले यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या कहोगे, भैया कोई कंसिडरेशन नहीं है? नहीं, कंसिडरेशन ना भी हो फिर भी उसको हम मानेंगे सप्लाई और आपसे लेंगे जीएसटी। तो पहले हमसे बोला कि सप्लाई में अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कोई जीएसटी नहीं है, लेकिन एक लिस्ट हमें दे दी कि अगर आप ये पांच काम कर रहे हो, कंसिडरेशन नहीं भी है, फिर भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो पहले तो हमें ये बता दिया कि सप्लाई वही सप्लाई जिसके बदले में हमें क्या मिले, कंसिडरेशन, तभी उसको हम मानेंगे सप्लाई, तभी आपको देना पड़ेगा जीएसटी। फिर हमने ये कहा कि भैया कुछ केसेस ऐसे हैं कंसिडरेशन मिले या ना मिले, आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब एक ऐसी लिस्ट आ रही है जिसे बोलते हैं नेगेटिव लिस्ट। चाहे इसमें कंसिडरेशन मिले, चाहे ये बिजनेस के लिए हो, चाहे सप्लाई की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, फिर भी इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। और जब सप्लाई नहीं मानेंगे तो जीएसटी भी पे नहीं करना पड़ेगा। ये होती है नेगेटिव लिस्ट। अगर आप ये काम कर रहे हैं, आपका क्लाइंट इन चीजों में डील कर रहा है, वो आपसे पूछेगा कि आपको क्या मुझे जीएसटी पे करना है, आप अपने क्लाइंट से क्या कहोगे, नहीं पे करना है। क्या है वो? पहला, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉई टू द एम्प्लॉयर। हम लोग कहीं जॉब करते हैं, बदले में सैलरी मिलती है, कोई जीएसटी की बात होती है? नहीं होती है ना, कोई जीएसटी नहीं है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया, कितने तक का? 50,000 तक का, कोई जीएसटी नहीं। 50,000 से ऊपर दिया तो माना जाएगा गड़बड़ है, अब आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। 50,000 तक कोई जीएसटी नहीं है। अब कोई मर गया है तो आप वहां क्या जीएसटी लोगे? तो अगर कोई ऐसी सर्विसेज दे रहा है, कैसी कैसी सर्विसेज, कब्र खोदना है ना, फ्यूनरल, ब्यूरियल, इस तरीके की जितनी भी सर्विसेज हैं, ये क्या है, जीएसटी से बाहर है, कोई जीएसटी नहीं है। कोर्ट में ट्रिब्यूनल जो सर्विस देती है, वहां भी कोई जीएसटी नहीं लगता है। कोई चेयर पर्सन है, कोई मेंबर है, किसका, कोई ऐसी बॉडी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की है, वो बंदा जब कोई सर्विस देता है तो कोई भी जीएसटी, सप्लाई नहीं होती है तो जीएसटी भी नहीं पे करना पड़ता है। कोई ऐसा बंदा जो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी पोजिशन को होल्ड कर रहा है, वो भी कोई सर्विस दे रहा है तो भी कोई जीएसटी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर लैंड, यहाँ पे घर की बात नहीं हो रही है, बिल्डिंग की बात नहीं हो रही है, लैंड, अगर कोई खाली लैंड बेच रहा है, प्लॉट बेच रहा है, तो उस प्लॉट के बेचने पर, उस लैंड के बेचने पर भी कोई जीएसटी नहीं है, ये नेगेटिव लिस्ट में कवर्ड है। हमारे पास नेता आते हैं, कहते हैं अगर हम जीत जाएंगे तो सड़कें बनवा देंगे, स्कूल बनवा देंगे, पानी आने लगेगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वो क्या बात कर रहे होते हैं कि सर्विस देने की बात कर रहे होते हैं। जीतने के बाद एमपी, एमएलए, एमएलसी, मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडीज, ये जितने भी काम करते हैं, इनके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगता है। इन्होंने अपने आप को यही लॉ बनाने वाले हैं और यही जीएसटी पे करने वाले, ऐसा कैसे हो सकता है? इन्होंने अपने आप को जीएसटी से बाहर रखा है। अब देखिए आ रहा है सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ बिल्डिंग भी बाहर है, इस पे कोई जीएसटी नहीं है, लेकिन कब कब क्या लिखा हुआ है, जब कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग हो रहा है इंटेंडेड फॉर सेल और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव हो रहा है बिफोर कंप्लीशन, बिफोर कंप्लीशन। अगर कंप्लीट नहीं हुआ है, उससे पहले कंसिडरेशन मिल रहा है, तब यहाँ पर सप्लाई भी मानेंगे और उसके ऊपर जीएसटी भी लगेगा। हाँ, पूरा कंप्लीट हो गया, आप गए, आपने पैसा दिया और सामने वाले से आपने क्या किया, बना बनाया फ्लैट ले लिया, बना बनाया फ्लैट ले लिया और उसके बाद पूरा पैसा दिया, यहाँ पर कोई जीएसटी नहीं है। लेकिन अगर कंसिडरेशन कंप्लीशन से पहले मिल गया तो भैया जीएसटी की बात करेंगे। उसके अलावा लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, इस तरीके की जितनी चीजें होती हैं, यहाँ पर भी कोई जीएसटी नहीं लगता है। तो हमने ये देख लिया किन किन चीजों पर जीएसटी नहीं लगता है। कुछ चीजें, कुछ जगहों पर जीएसटी आने से पहले कंफ्यूजन था कि उसको गुड्स माने कि सर्विस मांगे, कि सर्विस माना जाए। जैसे जब हम कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो क्या होता है कि वो वेटर हमें आके खाना सप्लाई करते हैं, तो क्या होती है, सर्विस।
वो हमें खाना बना बना के खिलाते भी तो हैं, वो क्या गुटखी सप्लाई भी हो रही होती है? कोई कॉन्ट्रैक्टर है, वो क्या करता है, आपके घर बनाने के लिए ब्रिक्स, सैंड, बालू, मोरंग ये सब लाता है, एंड आपका घर भी आपके हिसाब से बनाता है, वो आपको गुड्स भी दे रहा है, सर्विस भी दे रहा है। तो बड़ी कंफ्यूजन थी कि गुड्स माने कि सर्विस माने। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, इस तरह के जितने भी केसेस थे जहां कंफ्यूजन था, उन कंफ्यूजन को दूर कर दिया है। क्या कहा गया है कि अगर आप ट्रांसफर ऑफ टाइटल या यूज ऑफ गुड्स, मतलब अगर आप टाइटल ट्रांसफर कर रहे हैं किसी गुड्स का, या किसी गुड्स को यूज करने के लिए दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी है, तो उसको सर्विस नहीं, उसको क्या मानेंगे, गुड्स का ही ट्रांसफर मानेंगे। ठीक है, कोई बिजनेस एसेट को अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको हम गुड्स ही मानेंगे। अगर कोई टेम्परेरी ट्रांसफर आप कर रहे हैं, टेम्परेरी ट्रांसफर किसका, किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का, तो उसको गुड्स नहीं मानेंगे, उसको क्या मानेंगे, सर्विस। अगर परमानेंट ट्रांसफर कर देंगे तो क्या मान लेंगे, गुड्स। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रहे हैं तो क्या माना जाएगा, गुड्स नहीं माना जाएगा, सर्विस माना जाएगा। अगर आप कोई किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं सामने वाले के हिसाब से, उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, तो क्या मानेंगे भैया, सर्विस। और जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम किसी के साथ नॉन कम्पीट एग्रीमेंट करते हैं, मेरा पार्टनर था, अब मेरी मेरे पार्टनर से लड़ाई हो गई, अब वो छोड़ के जा रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा उससे कि अब तुम मेरे शहर में ये काम नहीं करोगे। वो कहेगा क्यों, मैं कहूंगा कि आप मुझसे 10 लाख रुपए ले लो, बट अब आप सेम काम मेरे मेरे शहर में नहीं कर पाओगे। तो उसने मुझसे 10 लाख रुपए लिया कुछ ना करने के, कुछ ना करने के भी पैसे अगर वो लेगा तो क्या हो जाएगा, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, सर्विस। तो ये है वो चीजें जहां बता दिया गया है कि कब कब गुड्स मानना है और कब कब सर्विस मानना है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा लेक्चर नंबर 2, और बहुत जल्द हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 3 के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो यार लाइक कर दो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब मार दो यार। एंड बहुत जल्द हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। अभी बहुत से मजेदार टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, ITC, GST कैलकुलेशन, GST इनवॉइस, ई-वे बिल, QRMP स्कीम, और भी बहुत सी चीजें हैं जो अभी बची हुई हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू।